अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अख़ुवत न्यूज़। आज के दिन में क्या खास रहा पाकिस्तान और आलमी तारीख में, 26 अगस्त के अहम वाक़यात एक नज़र में। एक हजार 71 में आज के दिन जंगे मुलास्कर्द हुई और सलजूकी तुर्कों ने मानसकरत में बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त दी। 1303 में आज के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। 1910 में आज के दिन मदर टेरेसा पैदा हुई। बीमारों और नादारों की मदद के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर देने वाली अजीम समाजी कारकुन और रहमत का फरिश्ता कहलाने वाली मदर टेरेसा 26 अगस्त को यूरोपीय मुल्क अल्बानिया में 1910 को पैदा हुई। वो 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान मुंतकिल हो गईं और नन के तौर पर चर्च से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। इसी दौरान उन्होंने टेरेसा का नाम इख्तियार किया और इसी नाम से दुनिया भर में पहचान पाई। 2006 में मोहम्मद अकबर खान भुट्टी को मुशर्रफ दौर में हुकूमत के साथ लड़ाई में जां बहक हो गए थे। नवाब अकबर भुट्टी के साहबजादे ने दावा किया था कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने उनके वालिद के कत्ल पर माफी मांगी, जिसे कबूल नहीं किया गया। उनके बेटे नवाबजादा जमील अकबर भुट्टी ने साबिक सदर, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और दिगर आला हुकाम को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था। दूसरी जानिब APML की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अमजद के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने जमील भुट्टी से कोई माफी तलब नहीं की। डॉक्टर अमजद ने वाजे किया कि परवेज मुशर्रफ अकबर भुट्टी के कत्ल में मुलव्वस नहीं थे। उर्दू और पंजाबी के नावल निगार, अदीब और शायर मीर तन्हा यूसुफी 26 अगस्त 2019 को वफात पा गए। 1955 में सियालकोट में पैदा हुए, असल नाम मोहम्मद साले था। 2005 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से किताब काला चानन पर सैयद बारिश शाह अवार्ड मिला। इसके अलावा मसूद खदर पोश अवार्ड से 3 दफा नवाजा गया और राइटर्स ग्लिड अवार्ड भी दिया गया। उनकी किताबें सूरज उगनताई, लुकनत, त्रे, एक समुंदर पार, खद्दू, काला चानन, तिफेर और किकरनु पुछ पंजाबी और उर्दू का सरमाया हैं। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो अख़ुवत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी किया करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी मेज़बान नसरीन बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।